नाज़रीन मैं आपको खुश कहता हूँ एक और मॉड्यूल के अंदर आपको मालूम है ये कोर्स का नाम है एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू पैडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी हम लास्ट टाइम जिन जो इससे पहले मॉड्यूल आपने देखा था उसमें हम बात कर रहे थे कि सवाल पूछने की अहमियत क्या होती है हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सवाल पूछने की अहमियत ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मसाइल हमने डिस्कस किए थे कि जो रोज़मर्रा के आप देखते हैं नाजरीन और आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में सवाल पूछने चाहिए आ, दिन रात क्यों होते हैं आ, दिन रात कहाँ पे होते हैं दिन रात कहाँ नहीं होते कहाँ दिन बड़ा होता है कहाँ रात छोटी होती है तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाने की आज कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि जो सवाल पूछने की कैपेसिटी है आपकी काउंटर आर्गुमेंट करने की जो कैपेसिटी है जिसको यासिन ने हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नाम दिया था कि आप कोई आ, किसी फिनोमेना की के बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो क्या वो आपका जवाब लॉजिकल है या लॉजिकल नहीं है क्या आप ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं या नहीं तो असल इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपसे की थी वो ये कि अहमियत सही जवाब की नहीं होती वो थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने की असल अहमत अहमियत तो वही होती है क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल होना है वो जवाब शायद आपसे बाकी ज़िंदगी फिर से कोई ना भी पूछे जी जी तो असल बात ये और वो हमने आपको बताया भी था कि हमने जब ये कोशिश की एच के ग्रेजुएट्स के साथ यहाँ जो एक स्कूल है छोटा सा उस पर जाके बच्चों के साथ लम्स के लम्स के ग्रेजुएट्स के साथ लम्स के स्टूडेंट्स के साथ नस्ट के इंस्ट्रक्टर्स के साथ वी के इंस्ट्रक्टर्स के साथ तो वो जो गैप था वो जो हाइपोथिस टेस्टिंग के अंदर जो फ्लॉस थे वो सब के सब उन में मौजूद थे अगरचे ग्रेड्स मुख्तलफ़ थे तो इसी डिस्कशन को हम आज आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि गर्मी और सर्दी हीट हॉट एंड कोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है क्या होता है क्या आपके जहन में तस्वीर बनती है तो इससे पहले कि हम ये डिस्कशन uh, फॉर्मली शुरू करें Uh, एक बात तो मैंने आपसे पिछली दफ़ा बड़े uh, स्ट्रेस दे के कही थी और यासिर ने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया था कि सवाल पूछने की कैपेसिटी हाइपोथिस दूसरी जो बात हम करना चाहेंगे और ये हाइपोथेस टेस्टिंग और सवाल पूछने की जो कैपेसिटी है नाजिन ये आपको किताब नज़र आ रही है ये हम चाहेंगे कि आप जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इसको स्कैन करने की पढ़ने की कोशिश करें इसका नाम है मेक जस्ट वन चेंज टीच स्टूडेंट्स टू आस्क देयर ओन क्वेश्चन अगर वो ख़ुद से सवालात पूछने आ तो, आ, सवाल पूछने की कैपेसिटी उनके अंदर आ जाए तो सिर्फ सवाल पूछने की कैपेसिटी आ जाए ये बड़ी अजीब बात है यासिर। तो ये आ, जो जिन लोगों ने ये किताब लिखी है वो समझते हैं कि एजुकेशन का जो मकसद है वो फुलफ़िल हो गया आप इसके बारे में कुछ कहेंगे सवाल पूछने की कैपेसिटी जवाब देने की बात नहीं हो रही जी मैं अम, जब रिसर्च कोर्सेस पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर जवाब कैसे हासिल करें उनकी जो प्रोसेसेस और मेथड्स हैं वो पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना स्टूडेंट्स को ये सिखाना मुश्किल होता है कि अच्छा सवाल कैसे करते हैं अब अब जाली किस्म की रिसर्च करनी है तो आप कोई घिसा सा सवाल लें उसको एक प्रोसीजर अप्लाई करें जवाब निकालें और वो रिसर्च टेक्निकली तो हो जाती है लेकिन इस रिसर्च का कोई ऐसा अहमियत भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं है और मसला ये है कि सवाल किस तरह पूछना है इंपॉर्टेंट सवाल किस तरह पता चलता है इसके लिए कोई मेथड या प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है जबकि जवाब के लिए तो थोड़ा बहुत जवाब के लिए तो प्रोसीजराइज है वो तो वो वो तो काम चल जाता है लेकिन हम यूजली कहते हैं कि लिटरेचर सर्च करें सवाल ढूंढने के लिए ये करें वो करें एज सच कोई प्रोसीजर नहीं है वो जो थिंकिंग प्रोसेस उसमें अप्लाई होती हैं वो बहुत फ़र्क फर्क किस्म की हैं और इसलिए उसको प्रोसीजरलाइज करना आसान नहीं है इसीलिए ये आदतें स्कूल से डालना डाइवर्स एबिलिटी टू थिंक इन डाइवर्स सिचुएशन स्कूल में बहुत जरूरी है ये, ये करना तो नाजरीन आपने भी कई सेमिनार्स अटेंड किए होंगे क्लासे अटेंड किए होंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा ख़ास तौर पर सेमिनार्स में ये होता है कि सवाल जवाब उसके आखिर में होते हैं एक बड़ी अच्छी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन बनी हुई है एक बड़ा स्मार्ट बंदा आके कुछ प्रेजेंट कर रहा है और उसके आखिर में वो कहता है कि आप अगर कोई सवाल एनी क्वेश्चंस कोई आपकी स्लाइड पे भी लिखा हुआ नजर आ जाता है आपको कि कोई सवाल है और अक्सर ऐसा होता है कि कोई सवाल नहीं पूछे जाते तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं है इस वो तकरीब इन तमाम बातों से एग्री करते हैं उनको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है जबकि मेरे ख्याल में और मैं यासर से दोबारा दरख्वास करूँगा कि उसके बारे में आ, कुछ थोड़ा सा कहें जबकि मेरे ख्याल में अगर किसी सेमिनार के आखिर में अगर किसी क्लासरूम के दरमियान में या क्लासरूम के आखिर में या किसी भी डिस्कशन के दरमियान में सवाल पूछे नहीं जाते तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी सही नहीं है आ, इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर या तो उनको समझ नहीं आई बिल्कुल भी या वो आपसे इतना फंडामेंटल इख्तलाफ रखते हैं कि वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर यह सूरत हाल हो जाए कि आप पोल्स अपार्ट हो जाए तो यहाँ पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता किसी कंपनी हरारकी के अंदर किसी यूनिवर्सिटी एक्डेमिक काउंसिल की मीटिंग के अंदर किसी क्लासरूम के अंदर किसी बिजनेस मीटिंग के अंदर किसी सेमिनार के अंदर तो इसका मतलब यह है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड एवरी थिंग इज इज़ सम कैन बी जी जी मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि अच्छी प्रेजेंटेशन अगर उसने इफ़ेक्टिवली सोच अगले इंसान की सोच पे कोई असर असरअाज हुई है तो उससे इसका सबूत असल में यह है कि सवाल उठने शुरू उसको प्रवोक किया है प्रवोक किया बिल्कुल मैं एक्चुअली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसी वजह से कुछ टेक्स काफ़ी सारी टेक्सट बुक्स के भी ऊपर टेक्सट बुक्स में अमूमन बातें वो वही बता रहे होते हैं जो रिसर्च पेपर से निकाली होती हैं लेकिन जब टेक्सट बुक में वो चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उससे आ, सवाल नहीं पैदा होते जबकि आप वही मटेरियल अगर रिसर्च पेपर में पढ़ें तो आपको तीन और सवाल सोचते हैं तो टेक्स्ट बुक्स के मैं थोड़ा बहुत खिलाफ हूं क्योंकि वो बात को गोल मोल करके सवालों को ढका के छुपा के आमतौर से लिखी जाती हैं कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ना हो जाए जबकि कम अज कम यूनिवर्सिटी लेवल में मेरे ख्याल में कोशिश ये करनी चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक से रिसर्च पेपर की तरफ चले जाएं क्योंकि रिसर्च पेपर जिस तरह लिखा जाता है उसमें क्लियर होता है कि आगे के सवाल क्या हैं ये जो ये जो हमने एक जवाब दिया है इससे और क्या सवाल उठे तो वो ट्रांजेशन जो है वो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन जो है वो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है confusion. जो होनी चाहिए कि मैंने तो ये चीज़ पढ़ी थी लेकिन अब मैं आगे जब देखता हूँ तो आ, मेरा जो प्रायर नॉलेज है वो कंट्राडिक्ट करता है मेरी आ, आगे वाली नॉलेज को तो या तो मेरे आप प्रायर नॉलेज गलत है या जिस तरीके से मैं उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो गलत है जब तक आप इस चीज़ से रिकनसाइल नहीं करेंगे जब तक नॉलेज आगे नहीं बढ़ सकती मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन को और ये टीचर्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है कि कन्फ्यूजन मैनेजेबल हो ताकि प्रोडक्टिव हो अनमैनेजबल कन्फ्यूजन जो है वो मसला करती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स कहते हैं अच्छा हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका हमें तो कुछ समझ नहीं आई और ये वो मैनेजेबल कन्फ्यूजन जिससे कुछ उनको पता है कि अच्छा यहाँ तक हम पहुँच गए लेकिन अभी इन चीज ये चीज़ें क्लियर नहीं है और इनके बारे में और सोचना चाहिए मैनेजेबल प्रोडक्टिव कन्फ्यूजन इज़ अ वेरी असेंशल टू अ गुड क्लासरूम तो नाजेन जो दूसरी बात हम आगे लेके जाना चाहेंगे इससे पहले कि सर्दी और गर्मी का हम जिक्र करें और वहाँ हम देखें कि जो हमारी नॉलेज बेस है जो हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है हमारी किताबों के अंदर उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कितनी आ, कितना फुकतान है आ, मैं ये इस किताब के हवाले से आपको कुछ बताना चाहूँगा किताब का नाम है मेकिंग थिंकिंग विजिबल हाउ टू प्रोमोट इंगेजमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिपेंडेंस फॉर ऑल लर्नर्स और आ, ये किताब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इसको देखें ज़्यादा मोटी किताब नहीं है आप बड़ी आसानी से दो तीन सेटिंग्स में इसको पढ़ सकते हैं इसके दो तीन जो इसके बारे में कमेंट्स हैं या प्रेजेज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ देर इज़ अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ए to make the development of the intellect a priority for education in the 21st century this book will become a landmark in that journey second making thinking visible is essential reading for every educator who strives to provide students with the skills they need to become thoughtful and enthusiastic directors of their own learning when thinking is made visible then लर्निंग इज इन एविटेबल विजिबल इनवाइट्स द रीडर टू क्राफ्ट आ न्यू डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड लीप फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन तो नाजरीन इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इससे पहले कि हम गर्मी सर्दी के ऊपर आए और वहां पर हम मेकिंग थिंकिंग विजिबल करने की कोशिश करें और जो सवाल पूछने की कैपेसिटी है उसको लगाने की कोशिश करें आ, एक बच्चा अपने जहन में क्या तस्वीर बनाता है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी वो जो कैपेसिटी है उसको उसके जो और बच्चों के अंदर ये कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है वो ये भी सोच सकते हैं कि ये मेर्ज़ हवा में उठ सकती है वो ये भी सोच सकते हैं कि हाथी जो है वो चाँद के ऊपर छलांग लगा सकता है उनकी जो इमेजिनेशन पावर है जो उनकी सोच की पावर जो विजुअलाइजेशन वो बहुत ज़बरदस्त हम जैसे आिस्ता आहिस्ता एडल्ट बनते जाते हैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं हमारी सवाल पूछने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है और हमारी विजुलाइज़ करने की कैपैसिटी भी और मेरे ख़्याल में ये सवाल पूछने की कैपैसिटी और विजुलाइज़ करने की कैपैसिटी ये दोनों काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं मेरा ख़्याल है ये इंटरलिंकड तो हैं कुछ इस तरह भी होता है कि क्योंकि हमने अपने आप हमने कंस्ट्रेंट सीखी होती हैं जिस तरह जिस तरह हम बड़े होते जाते हैं कि अच्छा ये भी नामुमकिन है ये भी नामुमकिन है ये भी नामुमकिन है जबकि बच्चों ने वो नहीं सीखी होती तो ए, एक तो इसलिए उनकी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट ज़्यादा होती है जो जिसको आप क्रिएटिविटी भी बेशक कहते हैं वो उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच सकते, सकते हैं, हैं जिनका ख्याल हमारे जिनको जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया आ, हाल कई दफ़ा गलत राइट ऑफ किया तो इसलिए वो ज़्यादा ओपन वेरिएबल थिंकिंग होती है उनकी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन का बहुत गहरा कनेक्शन है मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि सिर्फ विजुअलाइजेशन तक महदूद नहीं है क्रिएटिविटी लेकिन बहरहाल बहुत गहरा कनेक्शन है बिटवीन विजुअल इमेजरी एंड एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन जी तो ये जो आपने कहा ना कि क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन का ताल्लुक तो है लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक जैसी चीज़ नहीं है तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे आपसे डिस्कशन बढ़ाना चाहूंगा नाजरीन आप भी जरा कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं और एक बच्चा जो है उसके अंदर इनहेरेंट कैपेबिलिटी ये होती है कि वो बहुत चीज़ें विजुलाइज़ कर सकता है तो वो किस तरीके से अपनी विजुलाइजेशन को शेयर करता है लोगों के साथ इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म थी इंडिया की तारे ज़मीन पर जिसमें वो एक बच्चे की कहानी दिखाते हैं और उस बच्चे का डायलमा ये होता है कि उसको ज़बरदस्ती माँ बाप के घर से भेज दिया जाता है कैसे बो... बोर्डिंग स्कूल के अंदर जहाँ वो नहीं रहना चाहता और उसका कुछ डिसेबिलिटी भी होती है लेकिन उसके अंदर कुछ क्रिएटिव कैपेसिटीज़ भी होती हैं वो बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकता है वो विजुलाइजेशन बहुत अच्छी कर सकता है तो वो अपनी कॉपी पे तस्वीरें बनाता है हाँ वो ये चीज़ एक्स वो विजुलाइज़ तो हर वक्त ये करता रहता है इस ट्रूमा से गुज़रता रहता है इस आ, मुसीबत से गुजरता रहता है अपने माँ बाप को अपने बहन भाई को वो मिस करता रहता है ये तो विजुलाइजेशन उसकी हो गई अब उसको वो किसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है कि इस बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद मेरा फासला उनसे बढ़ता जा रहा है और मैं उनसे दूर जाता जा रहा हूँ ये चीज़ उसको आ, मुस्तकिल उसकी इमोशनल साइकोलॉजी के अंदर उसको तंग कर रही है उसको तकलीफ दे रही है उसको परेशान कर रही है तो उसको एक्सप्रेस करने का उसने जो तरीक़ा निकाला वो अपनी कापी में कुछ इस तरह की तस्वीरें बनाता है कि जब आप उस कॉपी को फ्लिप करते हैं तो आपको नज़र आता है कि वह बच्चा अपने माँ बाप से दूर होता जा रहा है उसने पहले अपने अब्बा का अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था फिर वो हाथ छूट जाता है फिर वो दूर होता जा रहा है तो यहाँ पर मेरे ख्याल में वो जो विजुअलाइजेशन है और जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी के रास्ते पर चल पड़ती है आप इसके बारे में यहाँ से कुछ कहेंगे बिल्कुल ये तो यहाँ पे तो आपने ख़ास किस्म की क्रिएटिविटी का ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन को विजुअली आप डिस्प्ले करें जो अपने इमोशनल सिचुएशन है उसको डिस्प्ले करें uh, मैं विजुअलाइजेशन आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की भी कर सकते हैं आप सोशोलॉजिकल uh, प्रिंसिपल कोई भी कोई भी नॉलेज बेस हो uh, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं कोई भी नॉलेज बेस हो उसको आप विजुअलाइज विजुलाइज कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक क्रिएटिविटी का हिस्सा भी होता है कि ये कर ये आप सलाहित आपके पास किस तरह करेंगे तो नाजरन ये इससे पहले कि हम आगे चलें दोबारा से मैं आपको एक किताब का हवाला देना चाहूँगा ये एक किताब है आपको आपको नजर आ रही है डायनमिक एस्ट्रोनॉमी। ये किताब मैंने आ, 1976 सेवनटी थर्ड मार्च लाहौर इस पर डेट दी हुई जब मैंने ख़रीदी थी ये वो ज़माना था उस वक्त कंप्यूटर्स तकरीबन ना होने के बराबर थे आ, अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि सूरज किस तरह से आ, मिल्की वे के अंदर है ज़मीन सूरज के गिरद किस तरह گردش कर रही है किस तरह स्पिन कर रही है चांद ज़मीन के गर्द किस तरह घूम रहा है बाकी सारे तो ये इसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी एक तो ये कि पैदागॉजी क्या होगी एक उसके साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी हम ये टेक्नोलॉजी के बाद में बड़ा डिटेल में जिक्र करेंगे लेकिन इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है कि हम इसके बारे में कुछ कह दें तो उस वक्त नाज्रीन जब ये किताब छपी थी जब मैंने ये किताब खरीदी थी उस वक़्त कंप्यूटर्स आपके पास नहीं थे आपको वो सिमुलेशंस नज़र नहीं आ सकती थी जो इस वक्त आईपैड के ऊपर या किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको चलते फिरता एक सूरज नज़र आता है ज़मीन उसके गिरद घूमती हुई नज़र आती है आप ज़मीन के स्पिन को आगे पीछे कर सकते हैं ये सारा कुछ इंटरक्टिव हो सकता है ये सारा कुछ ना सिर्फ आपके दिमाग में हो सकता है बल्कि आप करता हुआ होता हुआ ये देख सकते हैं तो वो जो विजुअलाइजेशन है वो आपके इस्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली हो रही इस वक्त तो टेक्नोलॉजी लेकिन उस वक्त ये टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको जब आप फ़्लप करें पेज़ को तो आपको मुख्तलिफ़ सारों की मूवमेंट नज़र आती है आ, दोनों पेजिस के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं सूरज आ, के गिरदमी कैसे घूम रही है ज़मीन के गिरद चाँद कैसे घूम रहा है उसका जो एक डायनेमिक डिस्प्ले है वह आपको नज़र आता तो यूज़िंग अप्रोप्रियट टेक्नोलॉजी एट द राइट टाइम विदिन दो पैरामीटर जो उस वक्त थे ये मेरे ख़्याल में बड़ी बड़ी अहम बात है आप इसके बारे में या से कुछ कहना चाहेंगे इसलिए कि आज हम बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक उसमें यही कुछ है कि चांद और सूरज और ज़मीन और इनकी गर्दिश और उससे जो गर्मी और सर्दी पैदा होती है या रात दिन पैदा होते हैं तो उसको विजुलाइज़ करना बड़ा अहम है और विजुलाइज़ करने के लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स चाहिए ये तो एक टीचर का बुनियादी स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स यही होती हैं कि ये जो मैं नॉलेज डिलीवरी करने लगा लगाऊँ ये जो नॉलेज पहुँचाना चाहता हूँ इसके अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं वो टीचर का काम है आइडेंटिफाई करें फिर टीचर का काम है आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरह सबसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो सकते हैं और यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पहले आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स ये पेडागॉजी है उनको डिसाइड करना किस तरह डेवलप करना है ये भी पेडेगॉजी है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये इन अ यही हम पूरे कोर्स में इसी के पीछे पड़े हुए और जिस तरह ये किताब ने ख़्याल में ने बहुत मजेदार ये उन्होंने काम किया कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी के अंदर चूज करके कि क्या चीजें दिखानी है सिंबॉलिक क्या और मुश्किल थी समझनी पहले इसका फैसला किया जाए exactly. और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाए कि उनकी सिमुलेशन ही कहेंगे कहेंगे सिमुलेशन ही, ही बिल्कुल कि किस तरीके से आपको वाकई ज़मीन मूव करती हुई सूरज के या चांद मूव करता हुआ और वो कैसे मूव कर रहा है वो सारा कुछ आपको नज़र आ जाए अच्छा नाजिन थोड़ा सा मुझे और वक्त दें इससे पहले कि मैं गर्मी और सर्दी की तरफ जाऊँ विजुअलाइजेशन के अंदर या सिर जो हमारे पास टूल्स हैं पैडागोजी के उसमें मैं इस किताब का हवाला देना चाहूँगा ये आपके सामने है लर्निंग क्रिएटिंग एंड यूजिंग नॉलेज जोजेफ़ नवक की लिखी हुई किताब है इस किताब की खास बात यह है और इस ऑथर की ख़ास बात यह है कि इन्होंने पहली दफ़ा िबा पहली दफ़ा मेरे ख़्याल में ज़रा थोड़ा ज़्यादी होगा कहना लेकिन लिबा जहाँ तक मुझे इल्म है पहली दफ़ा लर्निंग को आ, विजुलाइज करने की इनक्रेजमेंट दी और आ, एक एक बच्चा कैसे सोचता है आ, उसके सोच में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं चाहे वो गर्मी सर्दी की बात हो चाहे वो दिन रात की बात हो और उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्या लिंकेजेस होती हैं खास तौर पे इन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि उन कॉन्सेप्ट्स के दरमियान अगर लिंकेजेस होंगी तो फिर तो लर्निंग हो रही है और उससे एक कॉन्सेप्ट मैप बनाने की कोशिश की तो कॉन्सेप्ट मैप एक बहुत अहम टूल अब समझा जाता है पैदागॉजी के अंदर समझाने के अंदर ये देखने के अंदर के आपने जो बच्चों को चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपका जो कॉन्सेप्ट मैप था एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट मैप वो किया था आपने अपना जब लेक्चर शुरू किया तो जब आपने लेक्चर अपना ख़त्म करने की कोशिश की तो वो कॉन्सेप्ट मैप वो कनेक्शन जो आपके जहन के अंदर बने हुए थे मुख्तलि कॉन्सेप्ट के दरमियान क्या वो कॉन्सेप्ट वही कनेक्शनस एक बच्चों के जहन में या ज़्यादातर बच्चों के जहन में वो बन सके कि नहीं बन सके कितने इस्ट्रॉग वो कनेक्शन बन सके क्या कुछ कनेक्शन वीक रह गए या नहीं रह गए अगर वो वीक रह गए तो क्यों वीक रह गए और उनको स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है फिर न सिर्फ पैडागोजी के हवाले से पढ़ाने के हवाले से लर्निंग करवाने के हवाले से बल्कि जब आप इम्तहान लेना चाहें तो उसमें भी आप ये चेक करना ये चेक कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप के अंदर कि मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट ये कनेक्शनस मुख्तलि कॉन्सेप्ट के अंदर बड़े अहम थे बड़े क्रिटिकल थे क्या ये कनेक्शनस वाकई उनके जहन में मौजूद हैं कि नहीं तो एससमेंट के अंदर भी कॉन्सेप्ट मैप्स एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और लर्निंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट मैप्स एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं या सर इसके बारे में ज़रा प्लीज़ डिटेल से बताइए एक तो ये कि इसने लर्निंग को आ, जो कॉन्सेप्ट के दरमिया कनेक्शनस हैं उसके थ्रू डिफाइन करने की कोशिश की आ, ये तो डेफिनेशन की हद तक हो गई बात उसके बाद फिर उसने इसको एक शक्ल देने की कोशिश की ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी कि उसने जो आपकी लर्निंग हुई है जिसे मीनिंगफुल लर्निंग ये कहते हैं उसको एक शक्ल के ज़रिए से एक विजुअलाइजेशन के ज़रिए से ज़ाहिर करने की कोशिश की जो मेरे ख्याल में एक बहुत एक लैंडमार्क था पैटोलॉजी के अंदर जी मेरा ख्याल है कि ये हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि एक तो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट एक बड़े मज़ेदार बनाए कि एक रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग एक कॉन्ट्रास्ट हो गया कि एक तरफ आप एक मटेरियल है आपने बच्चों को घोटा मार के बच्चों ने रट लिया है तो आप अगर उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में मुझे बताओ तो वो जो टेक्स्ट बुक में है वो आपको बता सकेंगे तो एक तरह से तो कह सकते हैं कि उन्होंने सीख लिया लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रास्ट मीनिंगफुल लर्निंग के साथ किया कि आपने उनसे जब ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका डायरेक्टली उनके पास जवाब नहीं है लेकिन लॉजिकली अगर वो समझ चुके हैं जो चीज़ मटेरियल दी है तो वो इन सवालों का जवाब दे सकेंगे या ख़ुद सोच सकेंगे उस किस्म के सवाल वो अबिलिटीज़ नहीं होती हैं रोट लर्निंग में और तो इस तरह उन्होंने ये रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग के दरमियान एक कंपेरिजन किया फिर मीनिंगफुल लर्निंग क्या वजह क्या है कि मीनिंगफुल लर्न जिन उसने किया है वो सवाल सोच भी सकता है अनयूजल सवालों के जवाब दे भी सकता है जिसको हम यहाँ पे आउट ऑफ कोर्स एक सवाल आ गया कि किताब में नहीं था लेकिन अगर आपने समझा है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं वो एबिलिटी कहाँ से आई है और इन दोनों में फ़र्क क्या है तो इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट होने ज़रूरी हैं कॉन्सेप्ट के दरमियान लिंकेज होनी बहुत ज़रूरी हैं और इनकी एक जो कॉन्सेप्ट मैप की टेक्निक है वो डेवलप ही इसीलिए की ताकि ये चीजें जो हम रोड लर्निंग के अंदर नहीं देख सकते उनको कैप्चर करने का विजुअलाइज करने की एक टीचर के पास एक टेक्निक हो इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि आपके नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से है जी जी बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए इसलिए कि ये भी हो सकता है कि आपके पास नॉलेज हो लेकिन वो ऑर्गेनाइज ना हो जी इन्होंने बेसिकली जो कनेक्शनस की बात करते हैं कनेक्शन कॉन्सेप्ट के दरमियान जब आएंगे तो उनके अंदर किसी ना किसी किस्म की स्ट्रक्चर डिवेलप हो जाएगा तो अगर मुझे पता है कि एक बिल्ली जो है वो एक मैमल की एक किस्म का है तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट को हायर में ऑर्गेनाइज कर लिया है ये तो एक हायर तो सिंपलेस्ट अरेंजमेंट होती है लेकिन जब भी आप कॉन्सेप्ट के अंदर कनेक्शन लगाना शुरू करेंगे तो आपकी नॉलेज ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपको नॉलेज के डिफरेंट पोर्शंस के दरमियान कनेक्शन पता चल जाएंगे कि रिलेशनशिप्स और कनेक्शन क्या है आ, ये मेरे ख्याल में अब हम प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम्पल पे आते हैं इन सारी कॉन्सेप्ट जिन्होंने हमें बात की तो वो सीजनस की मेरे ख्याल में अब जी आ, अच्छा सीजनस पे हम आते हैं नाजन तो सवाल बेसिकली ये पैदा होता है कि जब हम सीजन की बात करते हैं जब गर्मी सर्दी की बात करते हैं तो बच्चों के जहन में क्या सवाल पैदा होने चाहिए अब यहाँ इस वक्त बच्चे नहीं बैठे हुए लेकिन हमने ये आ, कोशिश करके देखी है मुख्तलिफ जगह जा के जब हम उनसे ये कहते हैं गर्मी और सर्दी या आ, आ, गर्मी और सर्दी का मतलब ये कि अगर हम बिल्कुल मौसमों की बात करते हैं तो वह तो ज़रा थोड़ा बायस करना हो जाता है गर्म और सर्द की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा जनरल हो जाता है तो उनके ज़हन में क्या सवाल आते हैं वो सारे वही सवाल आते हैं जो एक एडल्ट के, के गर्मी और सर्दी में फीलिंग क्या होती है अभी आप ये देखें ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था हमने जिसका कि गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं आप वो तमाम सवाल जो वहाँ पे किसी ने पूछे थे वो वहाँ पे आपको उन सर्चिज में वो वहाँ पे लेके चला जाएगा आपको तो ये अब आप देखें कि कॉन्सेप्ट मैप्स मुख्तफ लोगों के मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स के बने हुए हैं जिसमें उन्होंने गर्मी सर्दी को रात दिन को या आपके सामने नाजिन स्लाइड्स पे नज़र आ रहे हैं ये कुछ और है इसमें नोवेक का कॉन्सेप्ट मैप भी है तिफाक़ की बात यह है कि अगरचे ये कॉन्सेप्ट मैप है इसमें भी बात समझ नहीं आ रही है तो मतलब कहने का यह है कि कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप जस्ट फॉर यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप बात नहीं है उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो वाकई जो कंफ्यूजन है या आपको कुछ और कॉन्सेप्ट मैप भी नज़र आ रहे हैं इसमें बेसिकली मेजर कंफ्यूजन मेरे ख्याल में ये है क्योंकि सबको का ख्याल है कि उन्हें इसका जवाब पता है और बहुत सदा सा जवाब है और वो ये है कि गर्मियों में ज़मीन सूरज के करीब होती है और सर्दियों में सूरज से दूर हो जाती है जी गर्मी और सर्दी ये इस पे हम आते हैं लेकिन इससे पहले आ, जो आ, हमने जब ये कोशिश की जानने की जो आपने सवाल पूछा ये जानने की कोशिश की तो हमें ये एहसास हुआ कि कहीं बुनियादी तौर पे कहीं गड़बड़ है उनकी सोच में राइट और उसके बाद उस बुनियादी गड़बड़ को निकालने के लिए हमने फिर सोचना शुरू किया कि अगर ये यहां पर लॉजिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हो रही है ना यहां पर ये लॉजिक सही नहीं दे रहे कि करीब आ जाती है दूर चली जाती है ये होता है वो होता है इस वजह से गर्मियाँ हो जाती हैं सर्दी कुछ जगह पे गर्मियाँ नहीं होती हैं कुछ जगह पे गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं कुछ जगहों पे सारा वक्त ही सर्दी रहती है कुछ जगहों पे गर्मी ज़्यादा कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे जब यहाँ पे गर्मी होती है किसी और जगह ये तमाम वो सवालत हैं जो लोगों को तंग करते हैं भाई गर्मी सर्दियाँ होती क्यों हैं क्या हो तो फिर गर्मियाँ सर्दियाँ लेकिन जब हमने इसके औरजन में जाने की कोशिश की तो बड़ी अजीब बात हमें इसका हमें एहसास हुआ जो हमें पहले मालूम नहीं थी वो ये कि वो लोग जो इस सवाल का जवाब सही नहीं दे सकते या इस सवाल के जवाब पे जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वो उस पे स्ट... वो उसको विदस्टेंड नहीं कर सकते उनके नज़दीक एक और सवाल भी ऐसा है जो ज्यादा बुनियादी है जिसका वो जवाब नहीं दे सकते वो सवाल जो है वो गर्मी सर्दी से मुतक नहीं है डायरेक्टली मौसम से नहीं है मौसम से डायरेक्टली नहीं है वो दिन रात से है राइट बिल्कुल अच्छा और वो दिन रात से कैसे है कि आज कल खासतौर पे लाहौर के शहर के अंदर आ, जून के महीने के अंदर आ, इस वक्त बारह एक बज रहे हैं एक बजाय है, इस वक्त डेढ़ बजाए दो बजे बड़ी सख्त गर्मी होती है ये बुनियादी सवाल जो हमने देखा कि तंग करता है कि सुबह के वक्त सात बजे जब आप सो के उठें या आप पाँच बजे सो के उठे नमाज के वक्त सुबह सो के उठें जब तो आपको सूरज नजर नहीं आ रहा होता लेकिन सात बजे ठ बजे सूर्य पूरी तरह आपको नजर आ रहा होता है यानी वो वो तो वो से से ऊपर ऊपर आ आ गया से वो आ चुका है चुका होता बजे के वक्त वो आपके हम कहते हैं सर पे खड़ा हुआ है अच्छा अब ये सर पे खड़ा होने का मतलब क्या है कुछ चीजों को या फिर हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले, ले लेते हैं यहां पर जब हमने कोशिश की उनसे पूछने की तो उन्होंने कहा जी कि गर्मी इस वक्त दो बजे इस इस वजह से ज्यादा और ये बच्चों ने ही सवाल पूछा कि अच्छा जी फिर ये बताएं मतलब वो इस सवालों के जो सीक्वेंस था चलते चलते वो यहाँ पे, पे पहुंच गए कि अच्छा फिर ये तो तो मतलब सुबह के वक्त गर्मी कम होती है जब सूरज निकला होता है जी जी. और दोपहर के वक्त वही सूरज ज्यादा गर्मी दे रहा है ज्यादा गर्मी दे रहा है मसला ये है मतलब क्यों मतलब अगर आप कुछ बच्चों ने जो जब हमने उनसे कहा कि आप विजुलाइज करने की कोशिश करें तो उन्होंने जब इसको विजुलाइज़ करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन है और सूरज इधर से चलता हुआ आ रहा है और चलता हुआ आ रहा है और उसका फासला कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है वही जो आपने फ़ासले की बात गर्मियों सर्दियों में कही थी ना उन्होंने यहां पर भी वही लॉजिक लगाने की कोशिश की और जब वो बिल्कुल उस सर पर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है वो कहते हैं अगर वो बिल्कुल करीब आ जाए तो और भी ज़्यादा सवानेजे पर कहते हैं सूरज आगे और उसके बाद जब वो चलता हुआ दूर चला जाता है तो फिर वो गायब हो जाता है कुछ अर्से के बाद वो नजर नहीं आता अब लॉजिकली या इंट्यूटिवली ये बात बिल्कुल दिल को भाती है बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं लेकिन ये हमें पता है कि ये बात अब सवाल यह कि बच्चों को हम ये कहना कि नहीं डंडा मार के उनको चुप करा देना कि नहीं ये बात तो नहीं है वो उन क्या चीज़ है जो हम उनसे डिस्कस करें या उनको कोशिश करें कि वो खुद से विजुअलाइज करें वो कौन से सवालत हैं जो वो पूछें उनको एहसास हो जाए कि यह बात गलत है ऐसा नहीं है तो सवाल फिर वहीं पे आके रुक जाता है कि दो बजे गर्मी क्यों होती है ज्यादा या हमें क्यों महसूस होती है सुबह के सात बजे गर्मी कम क्यों होती है शाम को सात बजे गर्मी कम क्यों लगती है हमको इसका फिर सीजन के साथ यही ताल्लुक निकला कि अगर यह डिस्टेंस की वजह से डिस्टेंस यहां पर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हो सकता है सीजन के अंदर भी डिस्टेंस किस तरह से इन्वॉल्व ना जी, जी, वो वो हम करेंगे बात सीजन की डिटेल में लेकिन ये अब आप मुझे यासिर बताइए कि किस तरीके से हम आ, इसके बारे में वो क्या हम उन, हम उनको प्रोवो करें कि वो सवाल पूछें जिसकी वजह से ये जो उनकी थिंकिंग है एक तो ये कि ये ये, ये आ, जमीन जो है वो सूरज के गिरद घूम रही है सूरज नहीं किसी वजह से ये तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको बाकी और सारों को जब वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा लेकिन बुनियादी सवाल फिर वही दो बजे गर्मी ज्यादा क्यों लगती और मसला यहाँ पे है कि दिन रात जो है वो तो अर्थ की रोटेशन की वजह से रेवोल्यूशन की वजह से नहीं है जी जी तो रोटेट जब वो करिए तो डिस्टेंस सूरज से चेंज नहीं हो रहा तो सूरज जब सर पे है दोपहर को तो वो उतना ही दूर है जितना सुबह के वक्त कम हो इतनी को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा जी जी तो डिस्टेंस की वजह से गर्मी में फर्क नहीं सर्दी में फर्क नहीं आ रहा जी तो अब पहला मसला तो यहां पे ये यह होगा कि अब एक हाइपोथेसिस जो है वो डिसप्रूव हो गई है लॉजिकली हमारे पास रीजन आ गया है कि आपका ख्याल था डिस्टेंस के स्क्वायर लॉ की वजह से हीट कम और ज्यादा हो रही है तो वो गया एक हाइपोथेसिस गया तो अब पूल ऑफ हाइपोथेसिस चिल्ड्रन बच्चों के पास क्या क्या है जी जी। और उनके उन्होंने और क्या उनको हीट के बारे में मालूम है कि वो उसमें से कोई वेरिएबल निकालें कि हो सकता है इस वजह से हो रहा है जी जी। आ, आप बताएं और बच्चों ने क्या क्या, क्या वेरिएबल्स आपको आ, बच्चे यहाँ पे आके फंस गए थे फंस गए थे यानी कि मतलब... उनके पास उनके पास एक ही कारतूस था उन्होंने चला लिया और जी वो जी। वो ये कहते थे कि अगर आप किसी चीज़ के करीब जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है अगर आप किसी चीज़ के दूर जाते हैं तो एक छठी सातवीं आठवीं नवी दसवीं जमात के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सवाल तो उनके जहन में है मतलब ये कि ये सवाल उनको कंफ्यूज कर रहा है ये उनको तंग कर रहा है ये उनको तकलीफ दे रहा है कि भाई ये चीज ऐसी है ऑब्जरवेशन आपको कुछ और बता रही है और आपकी लॉजिक आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रही है वो आप जो आपको नज़र आ रहा है होता हुआ जो इंटीव्यूचुअली आप बताएं या सिर्फ फिर क्या आप देखें साथ? दूसरी बात जिस जो मैंने आपसे क्योंकि मुझे भी ये इसमें मसला हुआ था शुरू शुरू में तो मैंने दूसरी बात ये कही थी कि हम ये सोच सकते हैं कि डिस्टेंस तो वही है लेकिन अगर हम अर्थ और एटमोसफियर को भी कंसिडर करें तो जब सूरज हराइजन uh, के करीब है यानी कि तुलू हुआ है अभी या, या सुबह का वक्त है तो दिकनेस ऑफ एटमोसफियर थ्रू विच द सनज रेज हैव टू पास बिफोर दे रीच द सर्फेस इज ग्रेटर दैन वन दन जब बारह बजे हैं दोपहर तो के तो तब थेस ऑफ एटमोसफियर जो पेनीट्रेट करनी है वो कम हो जाती है um, एक एक तरफ से आप साइड से आ रहे हैं तो आपको ज्यादा एटमोस्फियर सन रेज को पास करनी है आप ऊपर से आ रहे हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल में तीन गुना चार गुना का फर्क पड़ जाएगा थिकनेस में ऑफ द एटमोस्फियर अच्छा अब ये जवाब आपने बताया ये अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ये जवाब मिल जाएगा राइट right. अब हम देखना चाहते हैं कि इस जवाब सवाल इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि ये जवाब सही है कि नहीं राइट राइट मतलब ये याद करना जरूरी सवाल यह कि इसको हम देखना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना चाहते हैं बिल्कुल इस, इस सवाल की कि इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी थीक एक थीक थीक और जवाब अगर आप गूगल पे चेक करना चाहें तो वो, वो ये मिलता है कि जब सूरज निकल रहा होता है तो उसको कुछ टाइम लगता है गर्म करने एटमोसफियर को गर्म करने के बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सात बजे तो अभी वो बिल्कुल करीब करीब मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत लेसन ये दिया जा सकता है कि कई दफा सवालों का सिर्फ एक वन वेरिएबल आंसर नहीं होता मल्टीपल वेरिएबल आंसर भी होता है तो अगर आपको कोई सवाल का जवाब मिल भी जाए जो आपको सही भी लग रहा हो तो अभी आपकी तलाश खत्म नहीं हुई लेकिन एक डोमिनेंट आंसर भी होता है एक डोमिनेंट आंसर भी मतलब इससे हो सकता है थोड़ा सा अब अब ये देखते हैं ना कि इससे कितना फर्क पड़ है तो अगर तो ये बात आपके वाले जवाब पे मैं बाद में आता हूँ पहले हम ये देख लेते हैं कि सात बजे वाला जो सूरज है वो इस वजह से गर्म नहीं लग रहा कि अभी तो थोड़ी थोड़ी देर पहले ही तो निकला है वो बिल्कुल जी हीटर आपने ऑन किया तो थोड़ी देर के बाद वो लाल होगी तो इसका मतलब यह कि अगर तो वो वहीं का वहीं खड़ा रहे राइट सात बजे वाला सूरज तो फिर गर्मी बढ़ती जाएगी और बारह बजे उतनी ही गर्मी होनी चाहिए अगर यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हीटिंग की वजह से जबकि ऐसा नहीं होता इसलिए कि सर्दियां गर्मियों में ऐसे ही होता है ना कि सूरज वो पूरा नहीं निकलता बिल्कुल तो ये यहां से फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश रहती है इस बात में है गुंजाइश इसलिए कि जब गर्मियों के अंदर सूरज डूब भी जाता है उस वक्त भी गर्मी थोड़ी तो रहती है ना बिल्कुल ठीक है जबकि सर्दियों में जब वो डूब जाता है तो फिर एकदम से सर्दी हम कहते हैं कि फ़ौरन से स्वेटर वगैरह पहन लो बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो अब नाजरीन ये ये सोचने वाली बात है कि पहली वाली जो आर्गूमेंट थी ने हमें बताई थी कि अच्छा उसमें वो आर्गूमेंट जब आपने बताई थी आपने एक और विजुअलाइजेशन भी वो विजुअलाइजेशन देखें क्योंकि ये बात ज़रा अजीबो गरीब सी है कि अच्छा साइड से ज़्यादा एटमोसफियर क्यों है ऊपर से एटमोसफियर कम क्यों है एटमोसफियर तो एक ही थिकनेस की है तो मुझे एग्जाम्पल ये याद आया था कि दूसरी जंग अजीम में टैंक्स पहली बार इस्तेमाल हुए थे जंग में और उन पर बड़ा डिपेंड करता था और उन पर बहुत डिपेंड सब कुछ डिपेंड करता था तो एक और टैंक्स का आर्मर होता है जो लोहे की उनके ऊपर प्लेट लगी होती है ताकि कोई चीज़ अंदर ना घुस सके उनके ऊपर तो जिस तरह जिस तरह तोपे भारी होती गई थिकनेस भी आर्म टैंक के आर्मर की थिकनेस भी मोटी होती गई लेकिन वज़न भी बढ़ता गया और वज़न भी बढ़ता गया तो अब टैंक को ट्रांसपोर्ट भी करना है उसने ब्रिज भी पार करने है तालाब में से भी कई दफ़ा गुजरना है तो एक रूसी इन्वेंशन थी कि उन्होंने बजाय प्लेट सीधी लगाने के उन्होंने एक एंगल पर लगा दी जब शेल लगती थी उसे तो क्योंकि प्लेट एंगल पे थी तो शेल को आर पार होने के लिए काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता आर्मर की थिकनेस से ज्यादा डिस्टेंस अगर सीधी लाइन में वो पास करती तो उसे 100 मिलीमीटर mm जाना होता क्योंकि वो टिल्टेड थी तो इसलिए उसे हालांकि आर्मर की प्लेट की थिकनेस 100 मिलीमीटर mm ही है लेकिन शेल को उसको आर पार जाने के लिए एक सौ मिलीमीटर क्रॉस करना पड़ता था तो ये एक तरीका था कि टैंक हल्का भी रहे लेकिन उसका आर्मर थिकनेस कम हो लेकिन कोई शेल जो उस आर्मर को पार करना है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसके लिए मोटा है आर्मर तो ये एटमोसफियर में भी यही हो रहा है तो अगर या सिर्फ आपकी बात मान ली जाए इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ एटमोसफियर की वजह से हो रहा है हाँ मेरी जो हाइपोथेसिस यही कह रही है कि सारा कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से इसका वज़ासे मतलब यह कि मेरा जो नेक्स्ट सवाल होना चाहिए जवाब नहीं सवाल होना चाहिए वो ये कि अगर फर्ज करें किसी प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर सात बजे वाला सूरज या बारह बजे वाला सूरज वो एक जैसे गर्म है जी हाइपोथेसिस तो यही कहती है कि एटमोस्फियर अगर ना हो तो इमीडिएट हीट होगी और इमीडिएट कूल डाउन होगा ये भी जरा थोड़ा सा इंट्यूटिव नहीं लगता ये इंट्यूटिव नहीं लगता क्योंकि uh, मेरा ख्याल है कि यहां पे वो जो आर्ग्यूमेंट आपने पहले की थी ना कि गर्म गर होने में थोड़ी देर लगती है विदाउट एटमोसफियर मेजर वेरिएबल वो होगा वहां पे आ जाए वो आ जाए वो आ जाएगा अच्छा तो फिर यह कि मतलब ये कि थोड़ा टाइम भी लगता है गर्म होने में लेकिन यहां पे डोमिनेट वजह जो है वो ये है कि तो नाजरीन अब आप देखिए कि हमने अब अब ये फैसला किया और काफी देर के बाद ये फैसला किया कि दिन के वक्त दो बजे जो ऑब्जरवेशन हम रोज आ, आज कर खास तौर जून के महीने में लाहौर में और पंजाब के प्लेन्स के अंदर कि हमने ये बात अक्सर लोगों को मालूम शायद ना हो और असल बात यह नहीं है कि उन्हें सवाल का जवाब असल बात यह कि क्या वो उसको विजुलाइज कर सकते हैं अब हम आते हैं मौसम मौसमों की तरफ और आ, ये मैं आपको आ, एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगा जो पहले हमने आ, उसकी बेसिस पे हम आगे चलना चाहेंगे आ, हमने एक सवाल ये पूछा बच्चों के साथ कि वाय देर समर तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके जहन में क्या ख्याल आते हैं आम का ख्याल आ जाता है उनके नहर आ, कनाल लाहौर के अंदर छोटे बच्चों से सवाल पूछें वाई दे, दे समर्थ तो वो जवाब ही देंगे क्योंकि सो देट चिल्ड्र जी जी ताकि हम गर्मी में नहा सकें हम स्विमिंग स्विमिंग कर सकें आ, कनाल में जा कर नहा सकते हैं ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं लेकिन फिर आखिर में आता आहिस्ता वो खुद भी इस चक्कर में आ जाते हैं कि आखिर क्या वजह क्या है तो फिर जैसे यासिर ने कहा था कि पहला सवाल जो उनके जहन में आता है वो ये कि दी सन कम्स क्लोज़र टू अर्थ अच्छा अब when the sun comes closer to earth, तो उसके बाद आ, आ, मसला यहाँ पे हल नहीं हो जाता आ, मसला यह है कि यह कहना गलत है जवाब वो बात नहीं बनती तो सवाल ये कि क्लोज़र टू अर्थ का क्या मतलब अर्थ मूव्स इन अ सर्कल विद सन एट देंटर दे क्या ये सवाल क्या ये सिनेरियो है अगर ये सिनेरियो है तो फिर तो चूंकि सेंटर में है तो फिर तो वो करीब या दूर जाने की बात ही नहीं तो ये तो निकल गई दूसरा यह है कि अर्थ मूव इन एन एलिप्स विद अर्थ एट इट्स एग्जैक्ट सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर के अंदर अब यहां पर बात समझ में आती है यह आपके सामने बना हुआ है डिस्टेंस चेंज होंगे डिस्टेंस चेंज होंगे और डिस्टेंस चेंज होने से यह हो सकता है कि गर्मी बढ़ जाए सर्दी बढ़ जाए लेकिन फिर इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी ये फिर बच्चों ने निकालनी ली है कि फिर दो साल में दो दो दफा दो गर्मी होनी चाहिए दो दफा गर्मी दो 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 हो हो होगी और दो दफा सर्दी होगी तो अब आप देखें ये खुद ही सवाल वो पूछ रहे हैं और खुद ही वो उसको कंट्राडिक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये तो फिर बात गड़बड़ हो गई दी अच्छा अब हम आगे चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि दी सन मूवस इन एन एलिप्स विद सन एट द फार कॉर्नर तो ये हमारा एक मसला तो हल हो गया कि जी दो अब, समर नहीं अब दो समर और दो सर्दियां नहीं हो।, नहीं हो सकते अब अब बच्चों को बात ये नज़र आ रही है कि अब उनसे ये एक्सपेक्ट करना जो था अगरचे उनमें से कुछ लोगों ने बहुत कम बच्चों ने ये ने, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनसे कि ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर वाकई ये लगता है कि काम चल गया काम चल गया ये उन्होंने ज़रूर कहा कि देखें जी वो फिर जब विंटर होगा तो वो तो फिर बहुत दूर चली जाएगी फिर उसको आने में छः महीने से बहुत ज़्यादा लग जाएंगे तो ये एक कॉम्प्लिकेशन थी लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं कि वो उसकी स्पीड बढ़ गई अब मुख्तलिफ़ तरीके से तरीके, 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 तरीके से हम उसे कुछ बच्चों ने या कुछ ग्रेजुएट्स ने जब हमने ये मुख्तलिफ़ा पर यह प्रजेंटेशन उन्होंने फिर इस बात को जज करने की कोशिश कर ली कि अच्छा ठीक है लेकिन इसमें यह होगा क्या गड़बड़ क्या होगी कि जहाँ गर्मी होगी वहाँ गर्मी होगी और जहाँ सर्दी होगी वहाँ सर्दी होगी जबकि ऐसा नहीं होता जब पाकिस्तान में गर्मी हो रही होती है ऑस्ट्रेलिया में सर्दी साउथ अफ्रीका में सर्दी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये ये बात आपकी मेरे ख्याल में ये यहाँ पे एक मेरे ख्याल में तो ये भी एक मसला है कि सर्दियों में सिर्फ सर्दी नहीं होती दिन भी छोटे होते हैं जी 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 और इसमें कहीं मुझे दिन छोटे बड़े होने की नज़र नहीं आ रही ये मसला फिर वहां से अब हल हो गया और ये जवाब भी गलत साबित हुआ अच्छा तो इसका मतलब यह है कि अब कोई और चीज आ, इसके पीछे है और, कोई वो, और हमें लगानी पड़ेगी जी दर्थ स्पिन एंड रोटेट्स अराउंड द सन अच्छा ये वाली देख लेते हैं कि अब हम स्पिन भी करवा लेते हैं ये वाला जो सिनेरियो हो ये हमने बच्चों को दिखाया कि देखें अब आ, स्पिन भी कर पहले स्पिन नहीं कर रही थी राइट right, राइट right. ये अब स्पिन भी कर रही है और सूरज के गिर्द घूम भी रही है और आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक इसमें क्या होगा और ये भी उन्होंने फिर जज कर लिया कि इसमें ये होगा कि देखिए आप नाजरीन आपके आपको नजर आ रही है ये तस्वीर तो यहाँ पे वो मसला आएगा कि सुर दिन छोटे और बड़े नहीं हो रहे वही रहेंगे जी यहाँ पे वो मसला भी, भी आएगा दूसरे एक और मसला भी आएगा वो ये कि गर्मी सर्दी हाँ उस वजह से हो सकती है लेकिन फिर वही गर्मी सर्दी जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर सर्दी रहेगा ठीक 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 एग्जैक्ट वा कुछ उसी तरह ही रहेगा राइट राइट इसलिए स्पिन जो है वो यहां पर हम जिस तरह की स्पिन दिखा रहे हैं ना वो भी आप साथ देखें ना ओ आई सी बिल्कुल ठीक है ठीक है अच्छा उसके बाद ये भी जवाब गलत हो गया द अर्थ है नाजरीन अब आप देखें और यहाँ पर अब जो एक्चुअली नजर आता है हमें मतलब बताया जाता है कि टिलटेड एक्सेस है और यहाँ पर भी आपको एक टिल दिखाया गया ये एक बड़ी मजेदार सिचुएशन है कि इसमें ऐसा होता है ये टिल्टेड एक्सेस तो यहाँ पर भी है क्या ऐसा नहीं होता क्या चीज़ इसमें मैंने आ, ऐसी शो की है जो एक्चुअली नहीं हो रही ये सोचने वाली बात है अगर फ़िलहाल इस्पिन को हम भूल जाए थोड़ी देर के लिए स्पिन को हम भूल जाते हैं और मैं ये ज्यूम करता हूँ कि ये सूरज है और ये ज़मीन है तो या सिर आपके ख्याल में ज़मीन जो चक्कर लगा रही है वो किस तरह से चक्कर लगा रही है इस तरह से चक्कर लगा रही है देखिए इस तरह से चक्कर लगाने का कुछ मतलब है और मतलब ये है कि आ, ये जो मैंने इस जीप के ऊपर एक जानवर खड़ा किया हुआ है इसकी ये साइड हमेशा इधर ही रहती है बिल्कुल ठीक है आ, इसका मतलब यह है कि सूरज से अगर कोई इसकी तरफ देखने की कोशिश करे तो उसको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बुरका पोश खातून खड़ी हुई हैं इसलिए कि ये शक्ल तो इसको नज़र नहीं आ रही उनको आ, अच्छा ये वाली जो सूरत हाल है क्या ज़मीन इसी तरीके से घूम रही है ये मैंने एज्यूम किया कि यहाँ से हमने एक ग्रेविटी का धागा बांधा हुआ है जब ग्रेविटी का धागा बांधा हुआ है इसका मतलब ये कि ये साइड जो है हमेशा सूरज की साइड पे रहती है तो अगर कोई टिल्ट है तो वो टिल्ट साथ साथ चलती जाएगी आ, इसका मतलब यह है कि सूरज पे अगर कोई आ, साहब मौजूद हैं उनको ये पेंगुइन की जो फ्रंट वो कभी नज़र नहीं आएगा बिल्कुल ठीक है तो ये वाली जो एग्जाम्पल है फर्क अब आ, जी तो सूरज यहां पे है जमीन यहां बिल्कुल ठीक है अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जमीन के साथ ऐसा जमीन में थोड़ा सा टिल्ट भी है क्या वो टिल्ट इसी तरह रहता है कि वो आ, सूरज के साथ साथ इस तरह से घूमता जाता है या या जो आ, जमीन की मूवमेंट है सूरज के गिरद मैंने आपको बताया ना ये तो एक एक तरीका है ना दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो यूं करके जा रही हो बिल्कुल ठीक है इसमें ये होगा कि अब ये पेंगुइन की शक्ल भी सामने आ गई है जबकि ये जो गाड़ी है वो घूम रही है लेकिन इसकी जो ऑरियनटेशन है वो एक ही रह रही है बिल्कुल ठीक है आपके ख्याल में क्या ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जमीन और सूरज के हवाले से या किसी और सैारे और सूरज के हवाले से या सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और कौन सी पॉसिबिलिटी कब हो सकती है और कौन सी पॉसिबिलिटी कब नहीं हो सकती ये बड़े बुनियादी सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है ये बताने के लिए कि ज़मीन का टिल्ट क्या इस तरह जिस तरह आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है इस तरह से होगा अगर इस तरह से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेचुरल तरीका तो यही है ना कि इस तरह से घूम रही है तो उसका नतीजा तो ये होगा कि अगर कहीं पर गर्मी है तो वहाँ पर गर्मी रहेगी बिल्कुल ठीक है टिल्ट से फिर कोई फर्क नहीं पड़ा आ, आपकी आ, मतलब जी, जी के उससे फर्क नहीं पड़ेगा और वो सारा आ, मतलब ये कि एक आ, पोल पे हमेशा टिल्ट से ये फर्क पड़ेगा कि एक पोल पे हमेशा गर्मी रहेगी और एक पोल पे हमेशा सर्दी रहेगी हमेशा सर्दी रहेगी तो इसका मतलब गर्मी सर्दियां तो मौसम तो चेंज ही नहीं होंगे मौसम पर चेंज नहीं होंगे बिल्कुल सही है और ये भी है कि पूरी जमीन पे एक वक्त में एक ही मौसम होगा कि ये नहीं होगा कि नॉर्दर्न एमोस्फियर में गर्मियाँ हैं तो सदन है, तो है तो चेंग तो चेंग नहीं नहीं। ना चेंज नहीं होंगी तो आ, सवाल यह है कि क्या जम... इस तरीके से जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द या इस तरीके से नहीं घूम रही क्या कोई और प्लेनेट और सूरज का रिलेशनशिप या एक चांद और जमीन का रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें वो वाकई शक्ल उसकी आपको ये सामने एक लड़की नजर आ रही होगी जो कि एक बॉल को घुमाने की कोशिश कर रही करमर थ्रो हैमर को घुमाने की कोशिश कर रही है उसमें भी हैमर का जो साइड उसके साथ चिपकी हुई है धागे के साथ वो साइड उसके सामने ही रहती है बिल्कुल सही है तो नाजिन ये फिर वो सवाल हैं जो आपके जहन में या आपके बच्चों के जहन में आपकी क्लास के जहन में आने चाहिए और मजे की बात यह कि ऐसा नहीं होता लेकिन चांद का जो रिलेशनशिप है ज़मीन के साथ वो बिल्कुल ऐसा ही है तो इसका मतलब यह है कि चांद जब ट्रैवल करता है अगर ये ज़मीन है और ये चांद है तो जब ये ट्रैवल करता है तो वो इस तरह से ट्रेवल करता है कि आपको ये जो पेंगुइन है उसकी बैक साइड ही नजर आती है अच्छा अब सवाल यह कि चांद ऐसे क्यों मूव करता है अगर चाहे जमीन घूम रही है ये भी साथ मजे की बात है कि जमीन तो घूमती जा रही है मुस्तकिल चांद का एक साइड हमेशा उस उस तरफ ही रहता है इसके अलावा जो एक और मैं आपके सामने आ, सिनेरियो पेश करना चाहता हूं वो आ, ये वाला सिनेरियो है इसको पता नहीं हम कीड़ाकाड़ी कहते थे या मुझे याद नहीं इसको क्या कहा जाता था ये आपको स्लाइड पे नजर भी आ रही है तो कुछ तस्वीरें कि ये दो बच्चे जो हैं वो इसमें अगर हम इनको घुमाए यूं करके एक जमीन है और एक उसका चांद है तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कपलिंग है इसके अंदर कि इसकी शक्ल हमेशा इसके सामने रहती है राइट ना इसको उसकी बैक नज़र आती है ना उसको उसकी बैक नजर आती है राइट तो ये तीन तरह के मॉडल्स नाजरीन हो गए एक मॉडल सूरज और ज़मीन का है जिसमें ज़मीन जो है वो इस तरह से घूम रही है कि उसकी वो वो बंदी भी नहीं है उसका एक साइड जो है वो बंदी भी नहीं है तो यानी वो फरख फरख रुख रुख कर रही है हुँ, हुँ. सूरज की तरफ जी कि उसका जो टिल्ट है वो झुकाव अगर एक एक तरफ सूरज की तरफ इस तरह से है तो दूसरी तरफ भी वो इसी तरह ही रहता है तो वो यूं करके घूमती हुई जाती है दूसरा रिलेशनशिप चाँद और ज़मीन का है जिसमें सूरज जो है वो इसके साथ इतना टाइटली कपल्ड है कि उसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई रहती है जबकि दूसरा जो मॉडल है वो आ, आ, प्लूटो का है आ, और प्लूटो जो जोलिब ने ये ये कार्टून कैरेक्टर है उसने अपने स्यारे को इस तरह से पकड़ा हुआ जैसे मैंने ये पेंग्विंस की मिसाल दी थी कि वो जो उसका चाँद है के चांद का नाम मैं भूल गया मुझे भी नहीं याद जी, आ कि वो इस, जब दोनों घूमते हैं तो वो लॉक्ड पोजीशन में घूमते हैं बिल्कुल राइट अच्छा तो अब ये वजूहात जो हैं ये ग्रेविटी कैसे होती है ग्रेविटी ये जब फ्रिसबी हम फेंकने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल फेंक देते हैं वो फिर भी घूमती गुरुत्वीय चली जाती है सूरज का फासला जमीन से बहुत ज्यादा है वो जमीन को इस तरह से जकड़ नहीं सकता जिस तरह से जमीन ने चांद को जकड़ा हुआ है ये है, है आप जी जी कि चांद को उसने इस तरह से जकड़ा हुआ है कि वो उसका जैसे धागा बांधा हुआ है ना उसके एक साइड पर तो फिर जिस साइड पे धागा बांधा हुआ है वो ही वही साइड जबकि प्लूटो और उसके चांद का फासला इतना थोड़ा है कि ना सिर्फ प्लूटो ने अपने चांद को जकड़ा हुआ है बल्कि उसके चांद ने भी प्लूटो को जगड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल इस तरह से घूमते हैं फिर ठीक ये आपको ख़ातून नज़र आ रही हैं स्लाइड में इनका वज़न ज़्यादा है इनके साथ एक लड़की घूम रही है उसका वज़न कम है वो इनके गिर चक्कर लगा रही है लेकिन उसकी उसके वही साइड हमेशा उनकी साइड पे रहती है दूसरी स्लाइड पे आपको दो लड़कियां नज़र आ रही हैं जो आपस में लॉक्ड हैं इन दोनों का फेस एक दूसरे के सामने रहता है तो नाजरीन आ, हमने आज आपसे जो बातें डिस्कस कि उनमें विजुअलईजेशन की पावर हमने जो आपसे सवाल और जवाब डिस्कस किया हो सकता है उनमें कुछ गलतियाँ हों हो यकीन गलतियां होंगी लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम एवरी डे ऑब्जर्वेशन से शुरू करें हाइपोथिस uh -huh. सवाल का कोई जवाब पॉस्टूलेट करें देखें वो डिफेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमने इसमें सीखा कि कई दफा ये होता है कि सवाल आपने हाइपोथिस की वो नॉकडाउन हो गई अब समझ नहीं आ रहा कि आगे और क्या वेरिएबल हो सकता है अब सवाल क्या पूछे अब सवाल क्या पूछे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है लर्निंग में इम्पैस आ जाता है रुकावट आ जाती है और यहाँ पे आ, टीचर्स मेरे ख्याल में मेंकरज कर सकते हैं कि क्योंकि रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप ये इंक्रेज करें कि आप रिसर्च करें आप घबराएं ना तसली से सबर से काम लें और रिसर्च करते जाएं जब तक आपको एक और कैंडिडेट नहीं मिलता और उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पर एक जवाब मिल गया है। अब हम इतनी जल्दी ना करें कि अच्छा जवाब सही भी लग रहा है मिल भी गया तो अच्छा गेम अप अब तो खत्म हो जीत गए हम इस सवाल के अलावा और भी सवाल और, सव, और जवाब भी ढूंढे एक सवाल के दे कैन बी मोर देन वन नॉन कॉन्ट्रोडिक्टी आंसर तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सबक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट और कुछ हालात में एक जवाब ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है डॉमिनेट हो सकता है और कुछ हालात में दूसरा जवाब ज्यादा हो सकता है कोई जवाब भी आखिरी बात नहीं होती बिल्कुल नाजरीन इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए अशरफ इकबाल को इजाजत दीजिए या यासिरशमी को इजाजत दीजिए खुदाफि